हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना मनपसंद। मैं कामना चोपड़ा खाना मनपसंद में आपका स्वागत करती हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू मेक बादाम कतली, और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता नहीं है। वी जस्ट हैव 1.5 कप ऑफ आलमंड्स, 3/4 कप ऑफ शुगर, हमने जस्ट हाफ अमाउंट लिया है आलमंड्स का, शुगर का आलमंड से, यानी कि बादाम अगर हमारे 1.5 कप है तो हमने 3/4 कप चीनी ली है, और साथ में हम शुगर सिरप बनाने के लिए वाटर यूज करेंगे। प्लस हमें बादाम का छिलका उतारना है, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऐड हॉट वाटर टू आर आलमंड्स। सो हेयर आई हैव बॉइलिंग वाटर, हम इसे सिर्फ 3-4 मिनट्स के लिए इसमें सोक करेंगे ताकि इसका जो छिलका है वो आलमंड से अलग हो जाए। देन आफ्टर 3-4 मिनट्स हम इसे छील लेंगे। तो नाउ वी विल मीट आफ्टर 3-4 मिनट्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने जो आलमंड्स हैं उन्हें अबाउट 7-8 मिनट्स के लिए बॉइलिंग हॉट वाटर में सोक किया था। आप देख सकते हैं कि हमारे आलमंड्स पे से छिलका जो है बहुत इजीली रिमूव हो रहा है। तो अब मैं इसे एक थाली में शिफ्ट कर लूँगी और उसके बाद इसे रब करके इसका छिलका। फ्रेंड्स ये देखिए, हमने जो अपने आलमंड्स हैं वो अच्छे से पील कर लिए हैं और इन्हें सुखा भी लिया है। नाउ वी विल पोर देम इन द ग्राइंडर और हम इन्हें पीस लेंगे। हम इन्हें बारीक पीसेंगे ताकि हमारी कतली में जो बादाम के टुकड़े हैं वो ना आए। नाउ वी विल ग्राइंड देम। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इसको इतना बारीक पीसना है, आप देख सकते हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए हमारा जो आलमंड का पाउडर है वो तैयार हो चुका है। अगर हम इससे ज्यादा पीसने की कोशिश करते तो इसमें से ऑयल बाहर आ जाता। तो नाउ वी विल स्टार्ट मेकिंग आर कतली। फॉर मेकिंग आर कतली वी विल मेक शुगर सिरप, 3/4 कप ऑफ शुगर एंड 1/2 कप ऑफ वाटर। पहले हमें अपनी शुगर को अच्छे से मेल्ट होने देना है। देन वी विल कुक आवर शुगर सिरप फॉर 3-4 मिनट्स। फ्रेंड्स अब ये एक स्टैंड तक पहुंचने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं, ये देखिए जब मैं इसमें से शुगर सिरप गिरा रही हूँ तो एक तार की तरह गिर रहा है। ये देखिए इसमें एक तार क्रिएट हो रही है, ड्रॉप के बाद एक कंसिस्टेंसी आ रही है। तो एंड द अदर वे टू चेक दिस इज, आप इसे थोड़ा सा ठंडा कर लें और अपने फिंगर्स के बीच में देखें, आपको ये एक तार दिखाई देगा। ये देखिए, यू कैन सी। और जैसे ही ये स्टैंड थोड़ा सा क्लियर होने लगेगा हम इसमें अपना आलमंड्स जो है वो ऐड कर देंगे। सो अब ये शुगर सिरप जो है वो लगभग प्रिपेयर हो चुका है। सो नाउ वी विल ऐड आर आलमंड्स टू द शुगर सिरप। मिक्स इट प्रॉपरली। वी आर नॉट एडिंग एनी घी हेयर बिकॉज राइट नाउ वी डोंट थिंक कि इसमें अभी कोई घी की नीड है। बट आफ्टर जैसे ही ये लंप के फॉर्म में आने लगेगा तब हम इसमें 1/2 टीस्पून के अराउंड घी ऐड करेंगे। साथ ही मैं इसमें क्रश्ड कार्डमम, फ्रेशली क्रश्ड कार्डमम यानी कि इलायची जो है मैंने उसे क्रश किया है वो ऐड कर रही हूँ फॉर एक्स्ट्रा फ्लेवर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लंप की तरह इकट्ठा होने लगा है। सो नाउ वी विल ऐड 1/2 टीस्पून ऑफ घी। आई एम एडिंग जस्ट 1/2 टीस्पून ऑफ घी। तो इससे हमारी कतली में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और ये बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। वैसे तो अगर आप नॉनस्टिक पैन यूज करेंगे तो आपकी कतली ऑलरेडी इसमें नहीं चिपकेगी, बट मेक श्योर आप इसे नॉनस्टिक पैन में ही बनाएं। उससे आपका मटेरियल बिल्कुल वेस्ट भी नहीं होता एंड
हमारी कतली भी बहुत अच्छी बनती है। नाउ इट्स कमिंग टुगेदर। जस्ट वन ड्रॉप ऑफ केवड़ा एसेंस। इन सब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि अगर हमने इसे इसी पैन में रखा तो ये नीचे लग जाएगी और जल जाएगी। सो नाउ वी विल टेक इट आउट इन अनदर बाउल। इस बाउल में हल्का सा घी लगा लेंगे ताकि हमारी जो कतली है ये चिपके नहीं। आई एम यूजिंग द सेम बाउल ऑफ। अब हम अपनी काजू कतली को रोल करने से पहले, सॉरी, अब हम अपनी बादाम कतली को रोल करने से पहले थोड़ा ठंडा कर लेंगे। हम इसे 5-10 मिनट्स का रेस्ट देंगे। फ्रेंड्स, हेयर आई हैव टेकन अ प्लास्टिक शीट, यू कैन सी, एंड आई ग्रीस इट विद सम घी ऑन इट, एंड देन आई पुट माय बादाम कतली मटेरियल हेयर। सो नाउ वी विल स्टार्ट रोलिंग आवर बादाम कतली। और मैं इसके ऊपर भी ऐसे ही एक शीट रखूंगी, एंड देन आई विल रोल माय बादाम कतली। हम अपनी बादाम कतली को बहुत ज्यादा थिन नहीं मिलेंगे, बिकॉज काजू कतली की तरह बादाम कतली बहुत ज्यादा थिन अच्छी नहीं लगती। सो वी विल मेक इट लिटिल बिट थिक देन आर काजू कतली। सो फ्रेंड्स, आर बादाम कतली इज रेडी। नाउ वी विल कट द स्लाइसेस एंड सर्व देम। Now we will take them out. You can see the thickness of the badam katli. They are looking really perfect and they are really very soft and yummy. Dear friends, taiyar hai hamari badam katli and it is looking really yummy and it is a must try recipe. I'm sure you will try it and you will also send your feedback, please. थैंक्स फॉर वॉचिंग खाना मनपसंद। और इसकी फुल रेसिपी के लिए आप मेरे ब्लॉग खाना मनपसंद .blogspot.com पर लॉग इन कर सकते हैं। एंड इफ यू लाइक द रेसिपी देन प्लीज डू शेयर एंड लाइक इट। थैंक यू, बाय बाय, एंजॉय योर फूड, बाय, थैंक यू।